हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम बनाने वाले हैं मोटोरोला ZX2 में मिररिंग और कास्टिंग से रिलेटेड इशू के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि इसमें मिररिंग और कास्टिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने टीवी में एक ऐप को ढूंढना है, जो ऐप इसमें प्री इंस्टॉल्ड आती है। ऐप का नाम है कास्ट प्ले। अगर आपने लेआउट मॉडिफाई नहीं किया है तो आपको होम स्क्रीन पर दिख जाएगी, वरना आप ऐप सेक्शन में जाके उसे ढूंढ सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद इसमें आपको दो QR कोड्स मिलेंगे, एक iOS के लिए और एक एंड्रॉयड के लिए। तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो मैं इस एंड्रॉयड वाले को स्कैन कर लेता हूँ। ये हमें ऐप के पेज पर ले जाएगा प्ले स्टोर की, और वहाँ से हमें इसकी ऐप डाउनलोड कर लेनी है। तो ये लिंक हमारे पास आ चुका है, और इस लिंक की मदद से हम इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये ऐप हमारी इंस्टॉल हो रही है, इसको आप ओपन कर लीजिए और जो भी परमिशंस ये मांगे उसको अलाउ कर दीजिए। तो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, फोटो कास्ट, वीडियो कास्ट, म्यूजिक कास्ट, स्क्रीन मिरर और रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिमोट कंट्रोल को ट्राई करते हैं। तो रिमोट कंट्रोल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपने टीवी को चुन लीजिए। अब ये जो कोड टीवी में आ रहा है आपके, ये आपको इस ऐप के अंदर फिल करना है। और बस अब आपका मोबाइल और ये टीवी आपस में पेयर हो चुके हैं। अब आप मोबाइल की सहायता से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के रिमोट की ज़रूरत नहीं है अब, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ोन में इंफ्रारेड ब्लास्टर हो। मेरे पास पोको F1 है, इसके अंदर इंफ्रारेड ब्लास्टर नहीं है, तो ये वाईफाई के थ्रू ही सारा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। तो यहीं से हम सारे फंक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नीचे माइक्रोफोन का बटन भी दिया है, तो जिसको टैप करके आप वॉइस सर्च कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा रिमोट मिल जाता है हमें, जैसा कि बाकी एंड्रॉयड टीवीज के साथ आता है मिनिमल रिमोट। ऊपर आपको दिख रहे होंगे दो ऑप्शंस हैं, एक बटन रिमोट का है, एक टच रिमोट का है। टच रिमोट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीच की जो ये 4 कीज हैं स्क्रॉल करने में जो मदद करती हैं, उसकी जगह आपको एक टच पैड मिल जाएगा, जैसा कि लैपटॉप्स में आता है, जिसकी मदद से आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा ऐप या अपने वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम इसमें कुछ वीडियो कास्टिंग देखते हैं कि किस तरह से होती है। तो हम एक वीडियो प्ले करेंगे अपने मोबाइल से इस टीवी में। तो उसके लिए आपको ऐप में जाकर वीडियो कास्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और फिर आप जो भी वीडियो चाहें उसे आप डायरेक्ट टीवी पे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक वीडियो चूज़ कर लेते हैं जो हमें टीवी पे प्ले करना है। तो ये देखिए, अब हमारी स्क्रीन कास्ट हो चुकी है। तो जो वीडियो मोबाइल में था वो टीवी पे प्ले हो रहा है। इसी तरह से अब हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, वीडियो बंद कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है वो फोटो कास्टिंग का है। अब अगर हमें मोबाइल से कोई फोटोज़ देखनी है अपने टीवी में, तो हम वो भी आसानी से देख सकते हैं फोटो कास्ट की मदद से। तो
ये देखिए फोटोज टीवी पे आ रही हैं। अब हम तीसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे जो है स्क्रीन मिरर। म्यूजिक कास्ट भी इसी तरह से काम करता है, उसको मुझे डेमोंस्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियोस थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है दोनों वीडियोस के ना बैठे मेरे मोबाइल और टीवी के। लेकिन इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि टीवी और मोबाइल की स्क्रीन अलग अलग चल रही हैं। तो ये रियल टाइम में जो है आपको स्क्रीन मिररिंग मिल रही है। तो जो जो भी ऐप स्क्रीन मिररिंग को सपोर्ट करती हैं वो ऐप आप डायरेक्टली मोबाइल से टीवी में चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे स्क्रीन कास्टिंग और स्क्रीन मिररिंग से रिलेटेड। तो मोटरोला ZX2 में मिररिंग भी हो जाती है और स्क्रीन कास्ट भी हो जाती है और स्पीड भी काफ़ी सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। और भी कोई डाउट अगर इस टीवी से रिलेटेड है आपके मन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सभी के आंसर्स आपको दे सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।